गिर जिले के भिलवा दियारा से वापस लौट रही बरनैया नाव 50 से अधिक लोगों के साथ गंगा नदी में समा गई। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक नाव मुफसिल थाना क्षेत्र के भिलवा दियारा से बर्दा घाट आ रही थी। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग के कारण यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। वह जिला प्रशासन ने दो बच्चों के लापता होने की पुष्टि कर दी है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। किशनगंज के टाउन थानेदार की मौत मामले में उनकी बेटी ने इंसाफ की मांग की है। दिवंगत की बेटी नैंसी ने कहा कि उनके पिता की हत्या की गई है और गश्ती दल के किसी भी सदस्य को खरोंच तक नहीं आई। इसकी सीबीआई जांच हो। आपको बता दें कि थानेदार बंगाल में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे, जिसमें उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। यह हादसा तब हुआ जब वे किसी अपराधी को पकड़ने गए थे। किशनगंज में कुछ होता तो कोई अलग बात थी, बंगाल भेज दिया और बंगाल में वहाँ की पुलिस नहीं आई। पहले किशनगंज से पुलिस जाना जरूरी था। बंगाल में और कोई स्टेट नहीं था और कोई लोग नहीं थे और कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था। मेरे डैडी ही थे और उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ गए थे वो सब वापस बच के आ गए से सलामत एक खड़ोस के बिना। मेरे डैडी, इंसाफ इंसाफ जल्द से जल्द इंसाफ हम लोगों के साथ। और ये नहीं कि सिर्फ मनीष कुमार को सजा मिले, सबको सजा मिलनी चाहिए। सबको नौकरी से बर्खास्त करें और जिन लोगों ने मारा। मुजफ्फरपुर जिले में बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए तीन बदमाशों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस ने मेले से हुई बाइक चोरी के मामले में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अपराधियों का मेडिकल चेकअप भी किया गया, जिसमें तीनों अपराधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं अब अपराधियों के संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच भी करवाई जा रही है। हंदा में मेला लगा हुआ था, वहां से मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और केस हुआ है उस पर, बरामद भी हुआ है मोटरसाइकिल। कितने लोगों की गिरफ्तारी है? तीन आदमी की गिरफ्तारी है। इनका मेडिकल रिपोर्ट क्या? मेडिकल हम सदर में कराने गए तो सदर पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हैं। आगे? तो आगे हम कोर्ट परिसर में आए हैं।